स्पेशल डिस्काउंट है भाई बच्चों स्टूडेंट्स के लिए। यार क्या बात है, स्टूडेंट्स के लिए वीकडेज पे भाई आईडी कार्ड देखो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले जाओ। ये देखिए भाई यहाँ पर कितनी सुंदर पेंटिंग पेंटिंग भी लगी है भाई, यार बहुत अच्छी चीज़ है। ओए टिक टक टो है, खेलना है तेरे को? ये दोस्तों देखिए भाई आप सिसलिंग सॉसर भी भाई टिक टक टो खेल के अपना टाइम भी पास कर सकते हो। यार नूडल्स की क्वांटिटी देखो भाई कितनी ज़्यादा है, एक बंदे के लिए दोस्तों सफिशिएंट है। तो नमस्कार हमारे फूड शूट मैंने के दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और अनलिमिटेड फूड सीरीज वाली वीडियो में। तो दोस्तों आज जो भाई अनलिमिटेड फूड लेकर आए फिर से हम लक्ष्मी नगर आ चुके हैं। उससे पहले भाई हमने लक्ष्मी नगर में डाली थी भाई काव्या एक्सप्रेस बोल, उस वीडियो पर आपने दोस्तों बहुत प्यार दिखाया था। वो सिर्फ कितने में था, वो 149 में था ना? हाँ 149 में था, वो 149 में था। अच्छा ऐसे से कुछ था, मतलब आप वीडियो देख लेना। तो आज हम दोस्तों आए हैं भाई सिजलिंग सॉसर पे, ये देखिए। और यहाँ पर भाई क्या क्या ऑफर चल रहे हैं एक बार आपको ऑफर समझा देता हूँ। माधव यहाँ देखो दोस्तों सिजलिंग सॉसर पे कॉम्बोस चल रहे हैं भाई बहुत अच्छे अच्छे। 99 में आपको 7 तरीके कॉम्बोस प्लस मैनी मोर। और यार GST वगैरह भाई लगेगा, पैकिंग के चार्ज एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। तो अब या तो कॉम्बोस लीजिए, नहीं तो जो हम अनलिमिटेड फूड आपको वीडियो में दिखाएंगे, या तो भाई यार बोले जब मर्जी आपकी है। और अनलिमिटेड की दोस्तों आपको कंडीशंस पता ही है, झूठा नहीं छोड़ना वरना भाई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे दो अनलिमिटेड मिल रहे हैं, तो इंडियन मिलेगा और चाइनीज मिलेगा। तो चलिए आप आगे वीडियो में देखना क्या दिखाते हैं हम। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए एक बार आपको अंदर का व्यू भी दिखा देते हैं हम, आ जाओ। ये दोस्तों हमारी सिटिंग है भाई यहाँ पर, ये देखिए भाई यहाँ पर कितनी सुंदर पेंटिंग भी लगी है भाई, यार बहुत अच्छी चीज़ है। और व्यू देखिए दोस्तों, जगह है छोटी लेकिन मज़ेदार है। और यार AC वगैरह सब बहुत ही अच्छे तरीके से लगा हुआ है। और यार आपको मेन्यू दिखाते हैं, सिर्फ अगर आपको यार अनलिमिटेड नहीं खाना हो या कॉम्बोज नहीं लेने हो तो यार और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो भाई इनका मेन्यू, पहले तो यार आप स्पेशल डिस्काउंट है भाई बच्चों स्टूडेंट्स के लिए, यार क्या बात है, स्टूडेंट्स के लिए वीकडेज पे भाई आईडी कार्ड देखो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले जाओ। फ्री होम डिलीवरी पे 5 किलोमीटर तक ही है और उससे ऊपर भाई 500 रुपये, ठीक है। ये दोस्तों मेन्यू देखते जाइए आप, अब सूप्स हैं, सैलेड्स हैं, स्टार्टर्स, रायता, नूडल्स, ये भाई चाइनीज़ स्टार्टर है, पास्ता है, तंदूरी स्टार्टर है, सिजलर्स, क्या बात है। और क्या है बीच में, कांगे पेज गया था, ये रहा। और दोस्तों काफ़ी सारे प्लेटर्स चल रहे हैं यार यहाँ पर, आप देखते जाइए यार, ये देखो। और आपको यहाँ पर भाई मेन कोर्स भी मिलेगा, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग बताया था नॉर्थ इंडियन अनलिमिटेड तो चल ही रहा है, अब नॉर्थ इंडियन भाई ये भी देख लो, खाना वगैरह सब कुछ। और यार एड्रेस देख लो, ये लो H23 ग्राउंड फ्लोर नियर साई मंदिर विकास मार्ग लक्ष्मी नगर। ये भाई ये फ़ोन नंबर है, बात कर लेना भैया से जिस भी मेरे ब्लॉगर भाई को आना हो। और ये तो रह गया कॉम्बोज जो हमने स्टार्टिंग में दिखाए थे दोस्तों, ये सारे कॉम्बोज है, देख लीजिए ध्यान से देखो, ठीक है। तो चलिए बेकिंग तो दोस्तों हम आपको दिखाते रहते हैं, सीजले की क्या बेकिंग है, सीधा हम आपको ना टेस्ट की तरफ लेके चलते हो। यार इतने अमेजिंग टेस्ट मिलने वाला है आपको, क्या बताएं, ठीक है चलो। सो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था यहाँ पर दो अनलिमिटेड प्लेटर मिलते हैं, ठीक है। दो कौन कौन से हैं, एक तो भाई इंडियन प्लेटर है वो हम यार आपको बहुत सारी जगह दिखा चुके हैं, तो हमने सोचा कुछ अलग करते हैं और आपको चाइनीज़ प्लेटर दिखाते हैं। तो दोस्तों चाइनीज़ प्लेटर की जो भाई रेट है वो है 199 प्लस टैक्सेस, और आप इसको दो बार रिफिल करा सकते हैं, जैसे एक ले लिया और दो बार और आप करा सकते हैं। तो पहले भी यार देखो आपको कोई चार्ज नहीं देना, मतलब वेस्ट फूड वेस्टेज का, अगर यार दूसरा लिया तो आपको यार 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और हम तो कहेंगे यार आप वेस्ट करो ही मत, क्योंकि यार अनलिमिटेड यार जहाँ मिलते हैं भाई वहाँ खा लो, मज़े से खाओ। अगर आप झूठा छोड़ोगे ना तो यार फिर वही बात हो जाती है, वो बंद करने पड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने ना ये खाते हैं क्रिस्पी आलू, ये फ्राइज़ लग रहे हैं भाई हमें, काफ़ी क्रंच है, बहुत अच्छा है। दोस्तों पोटैटो फ्राइज का क्रंच है वो बहुत अच्छा, हल्का सा मसाला डाला होता है, अरे बच्चे भी खा सकते हैं ये नॉर्मल, जैसे शादी वगैरह में लेते हैं ना बच्चों के लिए, वैसे है ज़्यादा स्पाइस में। क्वांटिटी देखे एक चाइनीज़ प्लेटर में तो इट्स रियली अमेजिंग। चलिए अब खाते हैं यार अपने ये स्प्रिंग रोल। तो दोस्तों इसमें क्या है, स्प्रिंग रोल है और अपने मोमोज है, तो दो हैं आप ऑप्शन ले सकते हैं, हमने लिया स्प्रिंग रोल, आप मोमोज भी ले सकते हैं, दोनों में से एक चीज़। तो फीलिंग देखेंगे तो यार क्वाइट अमेजिंग है, देखो जो पूरा अपना जो स्प्रिंग रोल है यार वो मंचूरियन से, मंचूरियन नहीं है हाँ नूडल से भरा हुआ है, खाते हैं इसको, क्वांटिटी बहुत अच्छी है। अच्छी बात ये भाई क्रंच है, बासी चीज़ नहीं है, हाथों हाथ बना है। और ये भी यार इतना स्पाइसी नहीं है कि आपका ऐसे ऐसे हो जाए, तो आप अपने बच्चों को भी ला सकते हैं, जैसे जो 7-8 साल के बच्चे होते हैं उनको प्लेटर खाने का, चाइनीज़ खाने का मन कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सीजनिंग सॉसर पे बिना किसी झिझक के आ सकते हैं।
और ये बात दोस्तों मंचूरियन की, तो आपको तो पता ही भाई हर अनलिमिटेड में आपको दो बॉल्स मंचूरियन की मिलती है, साथ में ग्रेवी है। तो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप इसको नूडल्स के साथ खा लो या नॉर्मल खा लो। हम नॉर्मल खा के ट्राई करते हैं। वैसे तो टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन सूखा सूखा खाने में ना वो मज़ा नहीं आता जो मज़ा फ्राइड राइस या नूडल्स के साथ खाने में आता है, क्योंकि उसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अच्छा बैठता है। और इसमें भी अपने ऑप्शन है, फ्राइड राइस है और नूडल्स है, तो आप इसमें से भी चूज़ कर सकते हो। हमने नूडल्स ले लिया, प्रॉपर इसको चाइनीज प्लेटर ही रखते हैं ना, इसके लिए हमने नूडल्स ही ले लिया। तो चलिए यार पहले नूडल्स ही खा लेते हैं। और यार नूडल्स की क्वांटिटी देखो भाई कितनी ज़्यादा है, और एक बंदे के लिए दो से सफिशिएंट है। मेरे को नहीं लग रहा दोबारा रिफिल कराने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। फुली लोडेड विद वेजिटेबल्स, एकदम फ्रेश है, लेकिन स्पाइस जो है ना इसमें भी कम है, लेकिन इतना स्पाइस है कि आप आराम से खा सकते हो। देखो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर ज़्यादा स्पाइस के साथ खाएंगे ना तो वैसे खाया नहीं जाता, पसीने बहते रहते, आप यहाँ पर आओगे नहीं। तो भाई हम भी नहीं चाहते कि आप यहाँ पर आओ, हम ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि ना हो। तो इसलिए स्पाइस जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। मिर्च का भी स्वाद आएगा और हल्की सी मिर्ची नहीं भी लगेगी, दोनों ही चीज़ें। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपनी चाप, और चाप में ये भाई प्याज है, ग्रेवी है, बहुत अच्छी ग्रेवी लग रही है यार, और ये अपने शिमला मिर्च भी है। लेते खाने चले चाप। एक सॉफ्टनेस है चाप में जो बहुत अच्छी लग रही है, साथ में क्रंच, तो सॉफ्टनेस और क्रंच का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा बैठा है। और अगर हमें टेस्ट की बात करें तो ये थोड़ी सी स्पाइसी है जो हमें चाहिए भी चाप, अगर चाप मीठी वगैरह मिल जाए तो चाप का दोस्तों मज़ा ख़राब हो जाता है सारा, ठीक है। तो बस भाई हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर यहाँ पर आओ तो प्लेटर ले लो, रिफ़िल कराना हो तो भाई सोच समझ के कराना, वेस्ट मत छोड़ना दोस्तों कुछ भी, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको पहले ख़त्म कर लें, फिर आपको दूसरी डिश की तरफ लेके चलते हैं, यहाँ की स्पेशल डिश। चलो ख़त्म करते हैं पहले इसको। सो गाइस ये है अपनी भाई सेकेंड आइटम। तो ये क्या है, ये है क्या लग रही है भाई, ये क्या लग रही है, ये सीजलर, ओहो चाप सीजलर है भाई, चाप सीजलर। रेट क्या है चाप सीजलर के, देखे ओए टिक टक टो है, खेलना है तेरे को। ये दोस्तों देखिए भाई आप सीजलिंग सॉसर भी भाई टिक टक टो खेल के अपना टाइम भी पास कर सकते हैं। एक बार रेट देख लेते हैं, हमने वैसे रेट देखे नहीं। ओह 299 रुपये का सीजलर है, कॉस्टली तो है थोड़ा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और चलिए भाई इसको सीजलर की तरह ही खाते हैं, इसमें से डायरेक्ट ना लेके चाप को रखते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा गिर गया गाइस सॉरी, हल्का सा यार हो जाता है, दो चाप रख लेता हूँ, बाकी जैसा खाना होगा वैसे हम धीरे धीरे रखते चले जाएंगे। इसको करते हैं साइड में, थोड़ा नाक बीज दो इससे इसकी। चलिए भाई, और अगर आपको सॉसेज वगैरह इसके साथ लेनी हो तो यार आप ले सकते हैं, हमने नहीं ली क्योंकि हर बार आपको पता है हम मीट सॉस खाते हैं, लेकिन अब बिना मीट सॉस के ट्राई कर लेते हैं आज। वैसे तो ये है मलाई चाप से लग रही है, लेकिन इसमें ना अचार का भी फ्लेवर एक मेरे को बहुत अच्छा आ रहा है। तो यार एक तरीके से अचारी मलाई चाप, आप अचारी चाप ही है। हाँ देखो हम दोस्तों हमने सही गैस किया, बिना पूछे हमने सही गैस कर लिया। इसमें अचार का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है और जो सॉफ्टनेस और हल्की फुल्की मलाई है, तो यार वैसे तो अचारी चाप है लेकिन यार आप अचारी मलाई चाप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो टेस्ट है ना बहुत अमेजिंग टेस्ट है यार, जो एक्सपेक्टेशन होती है ना अचारी चाप से, जब तक अचार का फ्लेवर नहीं आया जो वो अचारी चाप कहलाती नहीं है। तो ठीक है यार और क्या, अब डिसअपॉइंटमेंट हो गई, कोई बात नहीं, चलो इसको हम उठा लेंगे, साइड में गिरा है इसको हम उठा लेंगे। तो यार देखो चीज़ें बहुत अच्छी है, और स्टार्टिंग में हमने आपको दिखा दिया मेन्यू, इनका क्या क्या मेन्यू दे रहे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और मैंने आपको कॉम्बोज भी दिखाए थे बाहर। तो जो मन करे जैसा मन करे आप यहाँ पर आकर ज़रूर खाना, और एड्रेस वगैरह भी स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया, बाकी नहीं तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको पक्का दे देंगे विद टाइमिंग्स।
और प्राइस तो हमने आपको बता ही दिया, आपने बाकी मैंने देख ही लिया था, ठीक है। तो चलिए यार वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे हमारे अगले व्लॉग में। फिनिश कर लें, थैंक यू।